दोस्तों क्या आपको पता है ताजमहल को यमुना नदी के किनारे क्यों बनाया गया है? क्योंकि दोस्तों ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनी है, वो किसी सीमेंट या ईंटों से नहीं बनी है। कुछ लकड़ियाँ पानी की नमी के कारण खराब हो जाती है, परंतु ताजमहल की नींव जिन लकड़ियों से बनी है वो यमुना नदी के पानी की नमी से अत्यधिक मजबूत हो जाती है। ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, जो कि शाहजहाँ की 14वीं संतान को जन्म देते हुए मृत्यु हो गई थी। ताजमहल के प्रत्येक नींव वाले कोने में एक एक मीनार है, जिसकी लंबाई 41.6 मीटर है। ये मीनार दिखने में भले ही सीधी लगे, परंतु ये मीनार सीधी नहीं है। इन मीनारों का सीधा न होने का कारण यह माना जाता है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आदि आए तो उसका ताजमहल पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। यदि किसी कारणवश मीनार गिरने लगे तो वो ताजमहल से दूर गिरे। ताजमहल की लंबाई कुतुब मीनार से भी ऊंची है। इसकी लंबाई 73 मीटर लंबी है, जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर लंबी है।